नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। रीवा महारैली, दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति के साथ आयोजित हो रही महासभा। रीवा शहर के SAF ग्राउंड में आम आदमी पार्टी की महारैली आज दोपहर 2 बजे से होने जा रही है। इस अवसर पर विंध्यवासियों को संबोधित करने के लिए आपके संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान का आगमन हो रहा है। जिला मीडिया प्रभारी वेद प्रकाश ने बताया कि दोपहर 1 बजे को वे सतना हवाई पट्टी पर पहुंचेंगे। उनके साथ सीधे 55 किलोमीटर की यात्रा से रीवा पहुंचेंगे। फिर दोनों नेता SAF मैदान में पहुंचेंगे और 2 बजे से महारैली को संबोधित करेंगे। एक दिन पहले पत्रकारों के सामने आपने अपनी प्राथमिकताओं को साझा किया था। पत्रकार वार्ता में आपके साथ मध्य प्रदेश अध्यक्ष और सिंगरौली महापौर रानी अग्रवाल, सह प्रभारी और पंजाब से विधायक दिनेश चड्ढा, प्रदेश प्रभारी और दिल्ली के विधायक भूपेंद्र सिंह जून और राष्ट्रीय संयुक्त सचिव पंकज सिंह भी मौजूद थे। रीवा महारैली में 1 लाख से अधिक लोगों को बुलाने का उद्देश्य है। हालांकि तीज त्योहार के कारण सभा में उम्मीद से कम भीड़ आ सकती है। 2 CM एक ही कारकेड में आएंगे, जहां उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा गया है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के साथ उनके सुरक्षा स्टाफ और पंजाब के CM भगवंत मान के सुरक्षा स्टाफ एक दिन पहले ही पहुँच गए हैं। सतना से लेकर रीवा तक सुरक्षा का जिम्मा लगभग 400 जवानों पर होगा, जिनमें हवाई पट्टी, मुख्य हाईवे के कट, SAF मैदान और अन्य सुरक्षा अंश शामिल हैं। इसके लिए एक ASC, 6 DSP, 12 TI, 40 SI और QRF के जवानों की सहायता ली गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।